ओके चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट और मिल्डेज एक्सपेरिमेंट पे। तो सबसे पहला हमको न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया गया है, देखो कि द स्ट्रेच्ड सोनोमीटर वायर इज इन यूनिजन विद द ट्यूनिंग फोर्क, यानी कि क्या हो रहा है, ट्यूनिंग फोर्क को एक सोनोमीटर वायर के ऊपर में प्ले किया जा रहा है, दोनों रेजोनेंस में आ चुके हैं। तो वेन द लेंथ इंक्रीज बाय 4% द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड इज 6 पर सेकेंड। ठीक है, जब हमने लेंथ को इंक्रीज किया 4% से, मतलब लेंथ को कैसे इंक्रीज किया होगा, वो जो दो नाइफ एजेस थे ना आपके, वो दो नाइफ एजेस को आपने थोड़ा दूर किया होगा तो उससे लेंथ बढ़ जाती है। तो हमने लेंथ को इंक्रीज किया कितना, 4% से, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड आर 6 पर सेकेंड। नंबर ऑफ बीट्स 6 सुनाई दिए हमको, तो देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क क्या होगी। पहले गिवन हमको दिया गया है कि सोनोमीटर वायर इज इन यूनिजन विद द ट्यूनिंग फोर्क, पता नहीं है, L1 की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर L, ठीक है, ये हो जाएगा आपका L1, लेंथ L आ जाएगा। L2 जो है उसको लेना पड़ेगा 4% इंक्रीज। तो जब आपको पता है 4% इंक्रीज, मतलब L1 पहले से थी 100%, उसमें 4% ऐड करें तो कितनी हो गई, टोटल 104%, 104% ऑफ L1, ठीक है, 104% ऑफ L1, ये ऐड कर दिया आपने इसको, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, L2 इज इक्वल्स टू 1.04 L1। ठीक है, ये आ गया आपके पास में लेंथ का फॉर्मूला। और उसके बाद आपको बोला गया है बीट्स, तो बीट्स आर 6 पर सेकेंड, पर सेकेंड बीट होते हैं, तो ये आ गया 6 आपके पास। अब आपको पूछा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, तो मतलब आपको क्या निकालना है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकालना है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी। अब ये जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी होती है, ये आप निकालेंगे, इसको हम अगर स्मॉल में देखते हैं तो N1 और N2 जो होगी, दो फ्रीक्वेंसीज हमको मिलेंगे ना। पहले हम जब इसके अंदर प्ले कर रहे थे तो वायर जो स्ट्रिंग है हमारा, वो जो प्ले हो रहा था वो N1 फ्रीक्वेंसी से प्ले हो रहा था, लेंथ बढ़ाने के बाद वो N2 फ्रीक्वेंसी से प्ले होता है, ठीक है, तो हमको N1 निकालना है। वी नो दैट आपको बीट्स का फॉर्मूला अगर याद होगा, N1 डिफरेंस N2 इज इक्वल्स टू बीट्स होते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी होगी, तो हम ऐसे बोलते हैं कि एज फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और क्योंकि हमारी जो लेंथ है L2 वो ग्रेटर है, L2 इज ग्रेटर देन L1, देयरफॉर N2 क्या हो जाएगी, लेस देन N1 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना आपको, जब लेंथ आप बढ़ा दोगे तो लेंथ बढ़ाने की वजह से फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कम, तो N2 फ्रीक्वेंसी कम आने वाली है। तो मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, N1 - N2 = 6, ये फॉर्मूला, ये बीट्स आ गए आपके पास में, ठीक है। तो इसको हमने कह दिया कि ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमको चलना है L1 L2 के फॉर्म के अंदर, तो हम ये रिलेशन को फिर से यूज़ करते हैं, एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। तो यूजिंग N1 L1 इज इक्वल्स टू N2 L2, ठीक है, ये भी लिख दिया मैंने। अब इस इक्वेशन के अंदर में वैल्यूज पुट करते हैं, N1 की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है, तो वो आ जाएगा N1, L1 की वैल्यू को हम रख देंगे L, ये L1 रख दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। L1 की जगह पे अगर आपको L पुट करना है तो ये भी कर सकते हो, नहीं करना है तो ऐसा भी रख सकते हो। इज इक्वल टू N2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो N2 यहाँ से आ जाएगा, N2 इधर जाएगा तो 6 यहाँ आएगा, N1 - 6 लिखूँ उसको, N1 - 6, और L2 की वैल्यू क्या है, L2 इज इक्वल्स टू 1.04 L1, तो इसको लिख देंगे 1.04 L1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा N1 इज इक्वल्स टू 1.04 N1 माइनस, तो 6 × 1.04 इज 6.24, ठीक है। अब चलिए इसको स्वैप करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास में 6.24 इज इक्वल्स टू 1.04 N1 - N1, यहाँ पे वैल्यू बचेगी 0.04 N1 इज इक्वल्स टू 6.24, यानी N1 की वैल्यू आ जाएगी 6.24 / 0.04, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 624/4, और ये कितना होता है, इट इज़ इक्वल्स टू 156 हर्ट्ज।
ये होती है वैल्यू 156 हर्ट्ज़। ठीक है, बात को समझ लीजिए आप, फिर से एक बार में देख लीजिए। सोनोमीटर वायर यूनिजन में था, यानी कि रेजोनेंस कंडीशन थी। आपने लेंथ को 4% बढ़ाया, आपने लेंथ को 4% इंक्रीज किया। तो देखिए हमने उसको लिखा है यहाँ पर 4% इंक्रीज को लिखते हैं 104/100। इसको ऐसा भी लिखते हैं बहुत बेसिक लेवल पे, L1 प्लस कितने 4%, 4% ऑफ L1 ऐसा लिखते हैं इसको। स्टार्ट एक्चुअली ये ऐसा है, फिर ये ऐसा लिखते हैं इसको, और यहाँ पे आ जाता है 1.04 L1। बीट्स 6 हुए, बीट्स का फॉर्मूला हमारे पास है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज इक्वल्स टू बीट्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। देयरफॉर हमारे पास में लेंथ L2 इज ग्रेटर है, तो इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी होगी N2 वो कम आएगी, है ना, ऐसे होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद में हम रिलेशन, ये रिलेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, देख लो, ये रिलेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, N1L1=N2L2। तो ये वाला रिलेशन हमने यहाँ पर यूज़ किया और उसको सॉल्व किया, और ये है हमारी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी। सो लेट्स सी गाइस, सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है देख लो। हमको बोला है कि सोनोमीटर वायर इज इन यूनिजन विद अ ट्यूनिंग फोर्क, एक ट्यूनिंग फोर्क के साथ ऑब्वियसली एक रेजोनेंस में है। स्ट्रेच बाय अ वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 9, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 9 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये वेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये हमारे वायर की डेंसिटी नहीं है, डोंट कन्फ्यूज दैट। When weight is completely immersed in water, जब weight को आप completely immersed in water कर देते हो तो वो 4 beats produce करता है, number of beats produced are 4, ठीक है, per second। और calculate करना है tuning fork की frequency, fine। तो यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं कि let T1, इसको बोलेंगे weight in air, जब वो पूरा सेटअप एयर में होता है, और T2 इसको बोलेंगे वेट इन वाटर, है ना। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन ऐसा देखा है ना, तो बस फिर हम एक रिलेशन यूज़ करने वाले हैं अभी। रिलेशन क्या यूज़ करना है देखो, कि वी नो दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर, मतलब ऐसे। ये इक्वेशन हमारे पास रेडीमेड इक्वेशन है, ठीक है, आपको याद है, आपको लिखा कर दिया है लास्ट लेक्चर में। तो हमारे पास में ये इक्वेशन है, सिग्मा इज इक्वल्स टू T1/T1-T2। तो इसको हम क्या करते हैं, हमने इसको ऐसे भी लिखा था, क्या लिखा था, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, 1/सिग्मा इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा T1-T2/T1, है ना। और ये वैल्यू क्या बचती है फिर, 1/सिग्मा, ये एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपका, एक्चुअली हम ये इक्वेशन निकाल चुके हैं, 1-T2/T1, है ना, ऐसे आ चुका है। तो इसको इक्वेशन को अगर ऐसे लिख दिया तो T2/T1=1-1/सिग्मा, σ-1/σ। तो T1/T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1/T2 रेसिप्रोकल। ये क्या है एक्चुअली, अभी यहाँ पर आएगा σ-1/σ, तो सिग्मा ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा σ-1, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू एक्चुअली। चलो ये वैल्यू को रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू कितनी है इसकी, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा की वैल्यू है 9/9-1, दैट इज इक्वल्स टू 9/8, ठीक है, ये हो गया 9/8 आपका। ये T1/T2 की वैल्यू है। अगर अपने पास में T1/T2 की वैल्यू है 9/8, एंड वी नो दैट कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन होता है, तो ऐसा लिख पाएंगे हम N1/N2 इज इक्वल्स टू √T1/T2, है नहीं, ऐसे लिख दूँ। तो ये क्या हो जाएगा, N1/N2 इज इक्वल्स टू √9/8, यानी कि ये एक्चुअली आ जाएगा 3/√2, ठीक है ना, अगर बाहर निकालोगे तो। और निकाल ले तो बेटर है, ये आ जाएगा आपके पास में 3/√2। इसको सॉल्व करके देखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.06, 3/√2 की वैल्यू होती है 2.828, ठीक है, 2.828, 3/2.828 इज 1.06। तो N1/N2 इज इक्वल्स टू 1.06, यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि N1 इज इक्वल्स टू 1.06 N2,
है ना, ये इक्वेशन को याद रखो, ये इक्वेशन हमको फॉर्म में मिली है एन वन के फॉर्म में। अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में देखिए कौन बड़ा है, एन वन बड़ा है ना, एन वन एन टू से बड़ा है। देयरफोर एन वन माइनस एन टू इज इक्वल्स टू, बीट्स कितने थे, बीट्स आर फोर, तो ये आ गया बीट्स का फॉर्मूला। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, एन टू की वैल्यू एन वन माइनस फोर, ये भी आ जाएगा एन टू की वैल्यू एन वन माइनस फोर। यहाँ पर ये वाली भी वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे। ये वैल्यू एन वन और एन टू वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, ये वैल्यू को यहाँ पुट करना है, एन वन इज इक्वल्स टू 1.06, एन टू की जगह पे कौन, एन वन माइनस फोर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1.06 एन वन माइनस 4.24। एन वन इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, 4.24 इज इक्वल्स टू 1.06 एन वन माइनस एन वन, दैट इज इक्वल्स टू 0.06 एन वन, और ये आ जाएगा 4.24। फाइनल आंसर एन वन इज इक्वल्स टू 424 डिवाइड बाय 6, कितने से जाता है ये, एन वन इज इक्वल टू 70.6। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी थी आपकी 70.66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है कि इन मेल्डेज एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ लूप चेंजेस फ्रॉम 7 to 5 बाय एडिशन ऑफ 0.015 kg वेट इन द पैन, फाइंड द इनिशियल टेंशन इन द स्ट्रिंग। मतलब क्या होगा, एक्चुअली T1 वॉज द इनिशियल टेंशन, ओके। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सेकेंड केस T2 इज इक्वल्स टू T1, जो भी टेंशन था उसमें आपने ऐड किया 0.015 kg वेट। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका kg वेट में। तो अगर आप जो है तो टेंशन को न्यूटन में लिखते हो तो भी चलेगा, kg वेट में लिखते हो तो भी चलेगा। इसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया, mg होता है ना टेंशन, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्चुअली बन जाता है न्यूटन में, और नहीं किया तो ये बन जाता है kg वेट में। तो मैं इसको kg वेट में रहने देता हूँ। और हमको बोला है कि इनिशियल टेंशन यानी कि T1 निकालो, T2 की वैल्यू दे दिया और T1 निकालो बोला। नंबर ऑफ लूप्स P1 इज इक्वल्स टू 7 और नंबर ऑफ लूप्स P2 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये P1 क्या है, इनिशियल लूप्स, और ये क्या है, फाइनल लूप्स, ठीक है। अब मैं आपको ये याद दिलाता हूँ कि कल हमने जो पढ़ा था मेल्डेज एक्सपेरिमेंट के अंदर, क्या पढ़ा था, फॉर्मूला है मेल्डेज एक्सपेरिमेंट में, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू पी अपॉन 2L अंडर रूट T/m। अब आप कहोगे कि सर ये परपेंडिकुलर पोजीशन है या फिर ये पैरेलल पोजीशन है, अगर कुछ नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर ये पैरेलल पोजीशन होगी तो यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 2 आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रूट टी, ऐसे लिख दो, तो अब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, या पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, दोनों में तो ऐसा लिख सकते हैं हम। तो अगर मैंने सोचा कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, n कांस्टेंट होता है, देखो इस फॉर्मूले में n कांस्टेंट होता है, 2l ये कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, नंबर ऑफ लूप और t का रिलेशन क्या आएगा, मैंने इससे पहले एक बार लिखकर बताया था आपको, इसको स्क्वायर कर दो इस पूरी इक्वेशन को। तो इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर देने के बाद आपके पास बचता है n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर t अपॉन 4l का स्क्वायर इंटू m। ये सारे लोग कांस्टेंट हैं, ये और ये सब लोग कांस्टेंट्स। अगर ये कांस्टेंट्स है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर टी इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मेल्डेज एक्सपेरिमेंट में ये रिलेशन बहुत काम आने वाला है, क्या रिलेशन, टी इंटू पी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन को लेकर हम आगे चलते हैं। तो टी पी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट को लिखते हैं यहां पर, टी पी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी के T1 P1 का स्क्वायर इक्वल्स टू T2 P2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। कौन बोला वो नहीं लिख सकते, बोल के
चेक करो बेटे, ऐसे लिख सकते हैं टी वन पी वन स्क्वायर इक्वल्स टू टी टू पी टू स्क्वायर। वैल्यूज पुट करके देखते हैं ज़रा, तो T1 की वैल्यू T1 है, P1 का स्क्वायर, P1 का स्क्वायर T1 अपॉन T2 ऐसे ले लूँगा, और आसान करते हैं क्वेश्चन को, P2 अपॉन P1 का होल स्क्वायर, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 की वैल्यू क्या है, T2 T2 T1 प्लस 0.015 और इक्वल्स टू P2 अपॉन P1, किधर है P2, P2 5 अपॉन 7, 5 अपॉन 7 का होल स्क्वायर। वैल्यूज इक्वेशन को इधर रख दो तो ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49, T1 इज इक्वल्स टू ये बचेगा 25 और ये ब्रैकेट इधर T1 प्लस 0.015, 49 T1 इक्वल्स टू 25 T1 प्लस 25 इंटू 0.015 इट इज 0.375, ये इधर जाएगा 49 माइनस 25 T1 इक्वल्स टू 0.375, मतलब T1 इज इक्वल्स टू 0.375 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 25 कितना बचा, 24 बचा ना, डिवाइड बाय 24 तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0156 केजी वेट। ऐड कितना करे थे, 0.015 बाद में ऐड किया था, पहले कितना था 0.0156 केजी वेट, ये आंसर होगा उसका। सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज सिमिलर है थोड़ा सा, इन मेल्डेज एक्सपेरिमेंट फाइंड द वेट एडेड टू द पैन व्हेन द नंबर ऑफ लूप्स इन द स्ट्रिंग चेंजेस फ्रॉम 4 टू 2 गिवन नंबर ऑफ लूप चेंजेस पी वन इज 4 टू पी टू 2 ऐसे हो जाएगा और हमको बोला है कि इनिशियल टेंशन वॉज 1960 डाइन। अब ये जो डाइन होता है एक्चुअली न्यूटन का सीजीएस यूनिट है, ठीक है, न्यूटन क्या होता है वेट एमजी होता है, ठीक है, तो ये जी के साथ कैलकुलेट किया हुआ है, ये जी के साथ कैलकुलेट किया गया है, जी के साथ कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आती है। तो मैं सीजीएस में आपको जी की वैल्यू लिखकर बताता हूँ, जी की वैल्यू होती है सीजीएस में क्या होती है 980 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये सी जी एस में है इसके लिए लिख के बताया, एस आई में तो मालूम है ना 9.8 या फिर 10 ले लेते हैं तो इसको ऐसा ले लेंगे, इसको 1960 दिख रहा है इसलिए 980 लिया मैंने, अगर यहाँ पे मुझे 2000 दिखता था तो मैं इसको 10 ले लेता था यानी कि 1000 हो जाता था, ठीक है, तो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि 9.8 कब लेना है जी को और 10 कब लेना है। तो अब इसमें देखते हैं कि एम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, क्योंकि एक्चुअल में सारे लोग सी जी एस में दिख रहे हैं तो हमने कहा सी जी एस में कैलकुलेट करते हैं, ये कौन है पैन का मास है ना, पैन मास ऑफ पैन, और कैपिटल एम ये होता है आपका मास एडेड, मास एडेड, तो हमको निकालना क्या है फाइंड द वेट एडेड टू द पैन, यही तो निकालना है कितना मास हमने उसके अंदर ऐड किया है, यही निकालना है, मास एडेड एम टू होता है, इनिशियल मास कितना होगा उसका, इनिशियल मास जो रखा होगा T1 के लिए जो मास रखा हुआ होगा आपको पता है ना फॉर्मूला, T1 की वैल्यू होती है, T1 की वैल्यू होती है m1 प्लस छोटू m मास ऑफ पैन इनटू ग्रेविटी, और T2 की वैल्यू होती है m2 प्लस m मास ऑफ पैन इनटू ग्रेविटी, तो मास ऑफ पैन दोनों में कांस्टेंट आएगा क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ m1 पहले इनिशियल मास था t1 के केस में और m2 फाइनल मास है t2 के केस में, तो हमको m2 निकालना है, t2 वैसे दिया नहीं है तो t1 दिया है इसलिए m1 फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं कैसे करना है सॉल्व। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़ कर पाएंगे फार्मूला, वी नो दैट क्या फार्मूला है टी पी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट है नहीं, अगर ये वाला फॉर्मूला है टी पी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट तो इसको ऐसे लिख देंगे टी वन पी वन स्क्वायर इक्वल्स टू टी टू पी टू स्क्वायर, पी वन पी टू हमको पता है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू पी वन अपॉन पी टू का ब्रैकेट स्क्वायर, कितना हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर, देखो पी वन अपॉन पी टू, पी वन कितना है P1 है 4, P2 कितना है 2, तो ये आ जाएगा आपका 4 अपॉन 2 का ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये बचेगा आंसर 4।
तो टी टू इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स टी वन, यार ये वैल्यू ठीक है ना, बात सही है यहाँ पे। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, टी टू की वैल्यू पुट करते हैं। टी टू कितना है, एम टू प्लस छोटू एम इंटू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स टी वन। टी वन की वैल्यू कितनी है डी वी, 1960 डायरेक्ट है दिया हुआ, 1960 डाइन डायरेक्ट दिया हुआ है। एम टू प्लस 1 ग्राम इंटू 980 ग्रेविटी की वैल्यू, यहाँ आ जाएगा 4 × 1960। मैंने इसको सॉल्व इसलिए नहीं किया था क्योंकि 98 से ये 2 टाइम्स चला जाता है, तो हमारे पास में बचा एम टू प्लस 1 = 8, देयरफॉर एम टू विल बी इक्वल टू 7 ग्राम्स। CGS में ही वैल्यू आने वाली आंसर, तो एम टू की वैल्यू होगी 7 ग्राम्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। टी पी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, बस टी पी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और दोनों को बस इक्वेट करना है P के साथ में, बाद में उसकी वैल्यूज टी वन और ये जो टी टू है ये दोनों की वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकालना 7 ग्राम। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इन मेल्डेज एक्सपेरिमेंट द परपेंडिकुलर पोजिशन में 6 लूप हमको मिले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन P1 इज इक्वल्स टू 6 लूप, ये है परपेंडिकुलर पोजीशन में, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं परपेंडिकुलर पोजीशन। उसके बाद हमको बोला है कि मास जो ऐड किया है पैन में, पुट इन द पैन वन द सेटअप इज अरेंज इन पैरेलल पोजीशन, यानी M1 की वैल्यू उसने दिया है 6 ग्राम्स, ठीक है 6 ग्राम। अब हमको क्या बोला है फिर कि P2 इज इक्वल्स टू 2 लूप्स, लास्ट में क्या बोला है कि 14.75 ग्राम का मास ऐड करेंगे तो 2 लूप्स मिलेंगे, कितना मास लगाएंगे तो 14.75। ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या लिख रहा हूँ, डिराइव कैसा करते हैं एक क्वेश्चन में से सारी वैल्यूज, ठीक है। तो क्या ये भी करेक्ट हो गया कि हमको इतना मास ऐड करना पड़ा तो इतने लूप मिले, और ये लूप है हमारे पैरेलल पोजीशन में, ठीक है, ये है पैरेलल पोजीशन। M2 उसके अंदर वैल्यू ऐड करें, हमको बोला है मास ऑफ पैन निकालो, बाकी सेटिंग्स कांस्टेंट रखा है उसने तो उसको चेंज नहीं किया, सिर्फ ये दो की वैल्यूज चेंज किया उसने और पैरेलल परपेंडिकुलर पोजीशन किया बस। तो हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, इन परपेंडिकुलर पोजीशन N की वैल्यू आती है P1 बोलना पड़ेगा, P1/2L अंडर रूट ऑफ T1/M, ठीक है, ये वाली वैल्यू लिख देंगे। ये m छोटू m अलग है और ये अलग है, इसको ऐसे कर दूंगे फिर अभी m0, ठीक है, ये m0 बोले तो मास ऑफ पैन, डोंट कन्फ्यूज, वो मास पर यूनिट लेंथ है, वो वायर का होता है और ये पैन का मास है। इन पैरेलल पोजीशन बताइए वैल्यू क्या होगी, कैपिटल N इज इक्वल टू P2/2L अंडर रूट ऑफ T2/M, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। लेकिन मैंने फॉर्मूला गलत लिखा, ये टू टाइम्स होता है टू टाइम्स टू, तो ये टू टू गेट्स कैंसिल, बचा P2/L, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है ये तो सेम आने वाली है, इसीलिए दोनों को कंपेयर कर दो, तो इसकी वैल्यू को लिख देते हैं, ये आ जाएगा P1/2L अंडर रूट ऑफ T1/M इज इक्वल्स टू P2/L, ओनली L आएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका T2/M। मैं इसको दूसरे रिलेशन से लिख सकता था, यानी कि P1 और P2 का रिलेशन तो आपको मालूम होता है ना, परपेंडिकुलर के अंदर जो नंबर ऑफ लूप्स होते हैं वो पैरेलल के डबल होते हैं, ऐसा, तो उस हिसाब से भी हम लिख सकते थे, ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे अगर आपने सीख लिया तो आपको शॉर्टकट निकालना ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैं डायरेक्ट यूज़ कर दूंगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा कि आप सोचेंगे कहाँ से लाया है। तो यहाँ से आपके पास में से LM कैंसिल हो गए हैं, ठीक है, तो बचा कौन आपके पास में, ये 2 इधर ले लो इसके अंदर, तो ये बचेगा P1/√T1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस P2/√T2। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर में, P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू, और ऐसा कर सकते हैं कि स्क्वायर कर देंगे पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया, P1 का स्क्वायर T1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स P2 का स्क्वायर इंटू T2। वैल्यूज पुट करो P1 का स्क्वायर, P1 कितना है 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 इंटू T1 को कैसे लिखेंगे, T1
T1 को लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, M1। चलो जान दो, एक स्टेप बढ़ जाएगी बस, M1 प्लस M0 इंटू जी इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 4, इसको लिखेंगे P2 का स्क्वायर, P2 कितने हैं, P2 2 है, तो उसका स्क्वायर किया इंटू T2 की वैल्यू कितनी है, M2 प्लस M0 इंटू जी। तो यहाँ से कौन कौन कैंसिल हो गया, जी जी गेट्स कैंसिल, और यहाँ पे हो गया 36 M1 प्लस M0। M1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, 36 M1 की वैल्यू 6 ग्राम्स, 6 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू है 14.75, 14.75 प्लस M0, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा आपका 216 प्लस 36 M0 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 14.75, 236 प्लस 16 M0, ठीक है। ध्यान से देख लो कैलकुलेशंस, अब क्या हो जाएगा, 36 M0 माइनस 16 M0 इज इक्वल्स टू 236 माइनस 216, यहाँ पे कितना बचा, 36 20 M0 इज इक्वल्स टू, ये कितना बचा, 20 M0 इज इक्वल टू 1 ग्राम्स। क्या बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो इस इक्वेशन को फिर से, इसको पॉज करिए और इसको फिर से ध्यान से देखिए, इस टाइप का ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछ सकता है आप। इसके बाद में कुछ आपको मैं सॉल्व एग्जांपल जो है तो DPP में दे देता हूँ, उन एग्जांपल्स को देखिए, अगर ना समझ में आए तो आप मुझे डाउट में पूछ सकते हैं, बाकी जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में बनेंगे, ठीक।